हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रेम कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसका वास्तविक ज़िंदगी में उसका प्रयोग होता है। हम बचपन से सीखते आए हैं 1 = 1, यानी कि एक एक के बराबर होता है, क्योंकि या फिर जो चर वाले या फिर दो चर वाले समीकरण से सीखते हैं कि x + y = 8, तो x या y का फिर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने ये सुना है कि 1 = 2? No. सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, आप ही बताइएगा। लेट ए बराबर बी दोनों साइड ए से गुना करने पर ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब दोनों साइड क्या करते हैं ना कि माइनस बी स्क्वायर से घटा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस इधर क्या होगा बी स्क्वायर। देन ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का इक्वल टू बी। इधर क्या होगा कॉमन ए माइनस बी, बी को कॉमन ले लिए ए माइनस बी हो गया और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ए प्लस बी बराबर बी। क्योंकि देखिए हम लोग पहले यहीं पर मान चुके थे कि ए इक्वल टू बी, तो ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं बी प्लस बी इक्वल्स टू बी, यानी कि टू बी प्लस बी। तो क्या होगा इधर से 2 = b / b कट गया 1, यानी कि 2 = 1।